घर के अंदर का दरवाजा कमजोर हो तो चलेगा, लेकिन मुख्य दरवाजा जो घर के फ्रंट में जो मेन दरवाजा है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आए तो एक धक्का में टूटे नहीं। तो इसके लिए आपको जो है वुड लकड़ी का दरवाजा देना पड़ेगा, जिसमें आपका साल है, टिक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई अगर आप अपने घर में लकड़ी दरवाजा लगाते हैं तो भाई उसमें कितना खर्चा पड़ेगा। आपको भी कब पता है कि लकड़ी दरवाजा थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए लोग क्या करता है, जो मेन डोर होता है बस उसमें लगाता है और सब अंदर में प्लाई डोर लगा लेता है। और इससे पहले मैं वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि प्लाई डोर अगर आप लगाते हैं तो कितना खर्चा पड़ेगा। प्लाई डोर में बताया था टोटल खर्चा मिला करके, लेबर रेट मिला करके 10,000 आया था। तो अब इंतजार कीजिए कि भाई इसमें कितना आएगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो यहां पे आपको बताएंगे भाई भाई व्हाई प्लाई डोर, मैं बता दिया अभी प्लाई डोर, सॉरी व्हाई वुडन डोर, क्यों वुडन डोर ही लगाना चाहिए। दूसरा उसका फ्रेम का रेट क्या पड़ेगा। तीसरा शटर जो रहेगा डोर शटर उसका रेट क्या पड़ेगा और टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, सब कुछ हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो व्हाई प्लाई डोर की, व्हाई वुडन डोर की बात करें तो क्यों यूज करना है, तो मैं बता दिया कि भाई मजबूती के लिए। जैसे हम लोग क्या होता है ना, घर की बाहरी दीवार 9 इंची का दे देते हैं और अंदर का दीवार जो है 4 इंची का देते हैं। तो बाहरी चीज को हमने मजबूती से प्रोटेक्शन कर दिया, तो उसी तरीके से जो है दरवाजा भी तो प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना। तो आगे बढ़े, दूसरा है फ्रेम रेट की बात कर लेते हैं। फ्रेम रेट कितना पड़ेगा भाई, एक स्टैंडर्ड साइज हम यहां पे डोर का लेके चलते हैं, और अगर हम बात करें दरवाजा जो बाहरी दीवार का साइज की बात करें, ये आपका 7 फिट और ये 4 फिट रहता है, थोड़ा सा बाहर 4 फिट में 7 फिट बाहर का दरवाजा साइज रहता है और अंदर का दरवाजा का साइज आपका जो है कम रहता है 3 फिट 6 इंची। तो टोटल मेरा कितना हो गया, ये हम अभी हम फ्रेम की बात कर रहे हैं, फ्रेम रेट की बात कर रहे हैं। तो फ्रेम आपका लेंथ ये टोटल हो गया, पहले यहाँ हम रेट लिख देते हैं, रेट आपका आता फ्रेम का, अगर आप देखिए इसका अलग अलग साइज, अगर 2.5 इंची बाय 4 इंची कर लेंगे आपका 150 से पर रनिंग फिट शुरू हो जाएगा। वही अगर आपका 3 इंची इंटू इसका जो साइज रहता है 6 इंची का रहेंगे चाहे 5 इंची कर लेंगे, तो ये आपका जो रेट बढ़ते जाएगा 200 तक जाएगा। तो हम यहाँ सबसे नॉमिनल लेते हैं आपका 150 रनिंग फिट के हिसाब से, ये कितना 2.5 इंची इंटू 4 इंची के आसपास रहेगा इसका साइज। तो लेंथ कितना हो गया मेरा, 7 फिट प्लस 4 फिट, तो कितना हो गया 18 फिट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां पे 18 फिट, तो यहां पे कॉस्ट इसका, कॉस्ट इक्वल टू 18 इंटू 18 फिट रनिंग हो गया आपका, रनिंग फिट कैसे 150 है तो हो जाएगा 18 इंटू 150 हो गया 2700 रुपये आपका किस में पड़ गया, फ्रेम पे। अब इसमें हम लगाएंगे तीसरा शटर लगाएंगे, मतलब वो कोई प्योर का, अब इसमें डिजाइन अलग अलग लेंगे उसका आपका डिजाइन जो अलग अलग रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से शटर रहेगा आपका, अलग अलग डिजाइन बना के रहेगा। अब देखिए तो यहाँ पे प्लाई वाला सब कुछ मैंने शो करके, ये आपका जो है जो बचेगा जो अंदर का शटर का वो आपका 3 फिट 6 इंची बाय 6 फिट 6 इंची, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 फिट 6 इंच कितना लगेगा, 3 फुट 3.5 फिट इंटू 6.5 फिट। ठीक है, अगर आप इसको, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया शटर का साइज, पहले रेट लिख लेते हैं, रेट इसका आपका अलग अलग रेट है भाई, ये आपका 1000 रुपया पर स्क्वायर फिट से शुरू होगा और
1500 रुपया से 2000 तक भी जाता है हम, लेकिन अभी यहां पे 1500 लेकर के चल रहे, 1500 पर स्क्वायर फीट। और हम यहां पे तो साइज कितना है 3.5 फीट इंटू 6.5 फीट, कितना हो गया ये 3.5 इंटू 6.5 आ गया 22.75 स्क्वायर फीट का हो गया। तो कॉस्ट 22.75 इंटू 1500 कर देंगे आ जाएगा 34,125। अरे बाबा रे बाबा, एक डोर एक दरवाजा का दाम अगर इतना लगा देंगे तो भाई बिक गए, बिक जाइए। तो इसलिए बहुत जो है रूम के अंदर लोग जो है इतना महंगा दरवाजा नहीं लगाता है। देखिए ये हो गया चौथा, इसमें जो हम एक और इंक्लूड कर देते हैं, चौथा है लेबर कॉस्ट, लेबर रेट टोटल कितना लेगा और कॉस्ट टोटल कॉस्ट। तो चौथा हम यहाँ पे लेबर की बात करें, लेबर कॉस्ट ये आपका सब मिला करके फिटिंग वुटिंग सब मिला करके आपको जो है लमसम 3000 तक आपका चला जाएगा। तो टोटल कॉस्ट की अब बात कर लेते हैं भाई, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा। तो पहला मेरा 2700, दूसरा मेरा 34,125, तीसरा 3000, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2700 प्लस 34,125 प्लस 3000, इसको आप जोड़ेंगे 2700 प्लस 34,125 प्लस 3000 आ जाएगा 39,825। कितना आ गया 39,825, इसको आप लमसम ले चल सकते हैं 40,000 विथ मटेरियल, एक अगर वुडन डोर लगाते हैं तब लगेगा। वही कंपेरिजन में देखिए, ये 40,000 लग रहा है, वही आप अगर ये प्लाय, मतलब यहाँ पे आप बता देता हूं प्लाई वुड का लगाते हैं तो आपको पड़ जा रहा है 10,000 तक में आपका काम बन जाएगा लेबर रेट के साथ। वही अगर आप वुडन लगाते हैं आपको ये 40,000 पड़ जाएगा। समझिए कि टोटल आपका जो है यहां से 4 गुना महंगा पड़ गया ये। इसलिए ज्यादातर लोग रेफर करते हैं कि भाई ओनली जो है वुडन डोर लगाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी कंफ्यूजन पूछ सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर इसको जो है ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और शेयर किसको करना है, उनको जो चाहे आप घर बना रहे हो, चाहे बनाने वाले आपके परिवार में, चाहे दोस्त में, चाहे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो। और कमेंट भी कीजिए कि भाई वीडियो कैसा लगा, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और खास करके जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर पकवान को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन देगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।